अरे अरे हाँ कर दिया। नमस्कार, बीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच कलकत्ता से श्रीमती श्वेता जी अग्रवाल हैं, जो कि आज हमारे को अपने अंदर हम खुद को कैसे खोज सकते हैं, कैसे खुद के अंदर उतर करके अपने अंदर खोजना। बाहर तो हम कई लोगों को खोजते हैं और खुद को भी शीशे में देखते हैं। बाहर तो हमने जमाना गुजर गया, तस्वीरें खींचते हैं, उनका एल्बम बनाते हैं, खुद को देखते हैं छपते हुए, पढ़ते हुए, मूवी में, वीडियो में, सब में खुद को देख लेते हैं। पर आज अंदर जिसकी कोई वीडियो नहीं बनेगी, जिसकी कोई दूसरा सहायता नहीं कर सकता, बस गाइड कर सकता है, आपको खुद अपने अंदर उतरना पड़ेगा। इस ये अंदर उतरने का रहस्य हमारे को श्वेता जी अग्रवाल से आज समझना होगा। तो अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। श्वेता जी जैसी मीठी मोहक मुस्कुराहट दें, सब एक्सचेंज ऑफ मुस्कुराहट होना चाहिए। एक तरफ आने के सिर्फ श्वेता जी मुस्कुराएं और हमारे पार्टिसिपेंट वीडियो ऑफ करके बैठे रहें, ऐसा नहीं चल सकता। बराबर का हिसाब होना चाहिए। वो उसके बाद हमारे को आप मुस्कुराएंगे तो आपको रहस्य भी बताएंगे। मुस्कुराते हुए रहस्य को सुनने में बड़ा आसानी होती है, उसको स्वीकार करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में। तो हम सब अपने आपके वीडियो ऑन रहे सजग रहेंगे, क्योंकि श्वेता जी आप पर नजर रखती रहेंगी, तो आप बराबर ख्याल कर रहे, नहीं तो मैं तो रखूंगा ही। तो अपने अपने वीडियो ऑन करिए, मुस्कुराते रहिए। और हम श्वेता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने पीएमसी मुंबई के लिए अपना समय निकाला। और सभी पार्टिसिपेंट को हम धन्यवाद करते हैं इस सेशन में जुड़ने के लिए। एक बार श्वेता जी के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद श्वेता जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी मुंबई टीम, सभी ध्यानियों, सभी पार्टिसिपेंट्स, अ वार्म वेलकम एवरीवन। और सच में महेश जी का सबसे अच्छा ये चीज मुझे लगता है आपके वीडियोस ऑन करवाते सबके, तो प्लीज जो हो सके और भी जो लोग नहीं वीडियो ऑन किए प्लीज वीडियो ऑन कर ले। तो आज का शकुंतला जी मेरे से पूछी थी क्या टॉपिक रखना, उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं बोली स्पिरिचुअल डिस्कोर्स रख लीजिए और अभी बस लगा ठीक है, तुरंत अपने को मेन तो ध्यान करना है और जो उस समय आएगा थॉट थोड़ी बहुत अपने बातें करेंगे। क्योंकि क्या होता है अपने कुछ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, कुछ बातें आध्यात्मिक में करते हुए फिर अपने ध्यान में जाते हैं तो एक अच्छा ध्यान होता है, एक माहौल एक वैसा बन जाता है कि हम पूरे ध्यान के उस चीज में और इजिली अंदर उतर पाते हैं। तो यही था कि जस्ट अभी एक थॉट आया कि अपने भीतर प्रवेश, क्योंकि जो हम आनापानासति ध्यान करते हैं, हम सांसों के माध्यम क्या करते हैं, सांस से सांस लेना छोड़ना उस पर फोकस करना, ये एक प्रक्रिया है कि सांसों के माध्यम उसको देखते देखते हम अपने भीतर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि थॉट अननेसेसरी जो एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, उन सब से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। और जब एक बार में एक ही चीज चलती है, या तो सांस पे हम फोकस कर पाएंगे या सोच विचार पे फोकस कर पाएंगे, तो जैसे ही सांसों के संग जुड़ते हैं भीतर प्रवेश होना शुरू हो जाता है। और बाकी जैसा कि जो भी परमात्मा से मिला है या जो उतना हम अपने परमात्मा को जान पाए हैं, खोज पाए हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सुने या किसी से कि वो मंदिर में जा करके परमात्मा की मूर्ति के सामने परमात्मा को पा लिया। कहाँ कहाँ पर पाते हैं हम उस परमात्मा को? अपने भीतर। और जिस दिन अपने भीतर हम उस परमात्मा से मिल लेते हैं तो हमारा ये शरीर ही मंदिर बन जाता है। यही इस शरीर रूपी को, इसी को हम मंदिर के रूप में कि ये परमात्मा यहाँ ही हमारे अंदर ही विराजमान करता है, हम उसके ही हिस्से हैं।
और इसको हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मंदिर, गुरुद्वारे या कोई तीर्थ स्थान जाना बहुत अच्छा लगता है और जाएं भी, क्योंकि वहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी होती है। ऑफ कोर्स परमात्मा की मूर्ति होती है वहाँ पर, कुछ अच्छे चैंटिंग या पूजा पाठ हो रहा होता है, तो वहाँ की एक एनर्जी वाइब्रेशन बिल्कुल अलग हो जाता है, जहाँ जाकर आपके आत्मा को खुशी शांति मिले। तो इसलिए वो जाना बहुत सही है, लेकिन रियल में जिनको हम जिन बाहर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं खोजी बनकर, वो तो हमारे भीतर ही बैठा है। तो एक इस पे बस कुछ छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे भीतर प्रवेश या क्यों नहीं हम प्रवेश कर पा रहे। तो एक बार एक आदमी था जिसको उसको अचानक कुछ भी एक समझ, एक साधु से बहुत बहुत वो प्रभावित हुआ, जिनके बारे में सुना, उनकी बातें सुनकर उसे मन में वो ठान लिया कि मुझे भी साधु बनना है, साधना करना है। तो वो उनके आश्रम जाने के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया, ठान लिया उसने। तो अब क्या हुआ, उनके अब उसके घर परिवार वाले, उसके जो दोस्त थे, सगे संबंधी जो उसके बहुत क्लोज हैं, जब सबको पता चला कि अभी आश्रम चला जाएगा, साधु बन जाएगा, फिर कब मुलाकात होगी नहीं होगी, तो सभी कोई उसको, उसके जो भी क्लोज वन थे, सब उसको छोड़ने के लिए आश्रम तक गए। आश्रम के बाहर पहुंचने के बाद अब फिर वो उसने कहा अपने सभी सगे संबंधियों से कि अब यहाँ से ही मुझे विदा दो, क्योंकि मैंने मार्ग ही ऐसा चुना है कि अब इससे आगे तुम लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, मेरे साथ नहीं जा सकते, तो अब यहीं से विदा लेते हैं। और सभी सभी उन उसको आश्रम के गेट तक छोड़ करके फिर वो उनको टाटा बाय बाय करके जाता है अंदर। अब जब वो जाता है आश्रम में, वहां पर एक बड़ा सा गुफा की तरह बना था जहां पर वो साधु साधना कर रहे थे। तो उनके पास जाता है, वो उनको नमस्कार करता है, फिर वो साधु उसको देखते हैं, आंख खोलते हैं, वो बोलते क्यों आए हो तुम, तो बोला कि मुझे भी साधु बनना है, साधना लेना है, दीक्षा लेनी है आपसे। तो वो क्या कहते हैं कि अकेले आओ, अकेले होकर आओ, इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हो। तो उसने देखा अगल बगल चारों तरफ, बोला मैं तो अकेला ही हूं। तो वो बोले कि तुमको जितने भी, तुम अकेले कहाँ हो, तुमको जो भी लोग छोड़ने आए हैं, तुम उनके अभी भी, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे यादों में हैं, तुम उनके ही जो शब्द में, उनके जो आंसू हैं, उनके जो जो भी जी बातें हैं, तुम सब अभी भी उन लोगों के साथ में ही हो। आंखें बंद करो और देखो फिर क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर। तब वो आंखें बंद करता है और देखता है कि सच में वो अभी भी आश्रम के बाहर ही खड़ा है। वो सारे उन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जो विदा करके, जिनको बाहर वो, तो अभी भी भले ही वो आ गया गुरु के पास अंदर, लेकिन विचारों में वो अभी भी उनके साथ ही खड़ा है। तो वही गुरु कहते हैं कि जब अगर आए हो यहाँ पर, तो तुमको अकेले आना होगा, अपनी इंद्रियों को बंद करके। तो क्या था कि जब हम साधना में, ध्यान में बैठते हैं, तो अपने जो इंद्रियों से जितना कुछ हम इकट्ठा करके लेकर आए हैं दिन भर में या जो भी, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो सारी इंद्रियों को से जो हमने अभी विचार और जो कुछ चल रहा, उनको था उनको रोकना होगा, उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होगा। तब जाकर हम साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हम सही तरीके से अपने भीतर प्रवेश कर पाते हैं। तो धीरे धीरे जरूर हमारे थॉट्स जो चलते हैं, लेकिन वापस उन सबको अपने से काट कर, उन विचारों से अपने आप को दूर करके, उन इंद्रियों से जितने कुछ इकट्ठा किया, उन सब से मुक्ति नहीं पाएंगे। तब तक हम जितना भी ध्यान साधना करते रहें, हम अपने भीतर कैसे प्रवेश करेंगे। तो यही है कि अपने प्रेजेंट में आना पड़ता है, अपने वर्तमान में, अपनी सांसों के संग जुड़ करके, इंद्रियों को शांत करके, शून्य अवस्था में कि बस सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे अपने भीतर प्रवेश, तब जाकर वो शांति वो हमें मिल पाती है, हम अपने आप से मिल पाते हैं।
जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, खोजी बनकर उसको अपने भीतर ही पाते हैं। तो यही है कि इससे हम ये समझें कि हम भले ही जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, फिर लगता है क्यों ध्यान नहीं हुआ ठीक से, हम बैठ तो रहे हैं रोज इस पर, और एक इसको और हम लोग समझेंगे। एक बार क्या होता है, कुछ दोस्त होते हैं रात के समय, वो लोग बहुत ही प्यारी पूर्णिमा की रात थी, बहुत खूबसूरत सी रात, और वो सभी दोस्त लोग सोचते हैं कि चलो जो भी मधुशाला चले, बार में जाते हैं वो लोग, बहुत सारी शराब पी लेते हैं और जमकर शराब पीते नशे में हो जाते हैं। अब फिर जब बाहर निकलते हैं वापस, तो वही पूर्णिमा की खूबसूरत चांद, पूरी वो रात ठंडी ठंडी हवा, अब पास में ही नदी रहती, नदी था वहां पे, तो वो लोग सोचते हैं चलो नौका में बैठते हैं, सवारी की जाए। पूरी तरह होश में थे नहीं, और अपनी मस्ती में फिर वो सभी चार पांच दोस्त थे, सभी वो नौका में सवार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो नाव में जो पतवारे होते हैं, बोट चलाने वाला, वो सभी मिलकर उसको चलाना शुरू करते हैं। अब आधी रात हो चुकी होती है, सब सोच रहे हैं कि वाह एकदम, क्योंकि वो नशे में थे, मदहोश थे, और बहुत ही मौसम का नजारा मजा लेते हुए वो लोग पतवारे चला रहे हैं, बोट में बैठ गए हैं, और फिर वो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत लंबी यात्रा में निकल चुके हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो उनको नींद भी आ जाती है, हल्की, जब सुबह होने लगती है, हल्की हल्की रोशनी, हल्का हल्का अंधेरा, तब वो लोग थोड़ा होश में आते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि पता नहीं हम लोग कितनी दूर निकल आए होंगे, तब से हम नाव चला रहे हैं, हम सब सवार होके कितनी देर से, हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे, तो हमको अब लौटना पड़ेगा। और थोड़ी चिंता में आ जाते हैं सभी दोस्त की। तो फिर एक दोस्त क्या होता है कि वो फिर उठता है, वो थोड़ा होश में आता है, बोलता है देखता हूं मैं हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, नदी के बीच में किनारे दूसरे छोर कहाँ तक चले गए हैं। अब वो जब उठकर देखता है खड़ा होकर के, तो वो क्या बोलता है अपने सारे दोस्तों को कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई घबराने की बात नहीं है, हम जहां थे वहीं हैं, हम कहीं भी नहीं पहुंचे। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने नौका की जंजीर को खोला ही नहीं था, वो अपने नौका की जंजीर को खोलना भूल गए थे, इसलिए अपने आप को वहीं पाया जहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, यात्रा शुरू की। वो सोच रहे हैं कि वह हम लोग कहाँ पहुंच चुके होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जंजीर को खोला ही नहीं। अब इससे हम क्या समझते हैं? हम ध्यान में बैठ गए, हम सोच रहे हैं, हम अपने एकदम ध्यान की यात्रा में निकल पड़े हैं, कहाँ ना कहाँ ध्यान में, हम आज तो कौन से डायमेंशन में जाएंगे, कौन से गुरु से मिलेंगे, क्या होगा, आज तो आत्मबोध करके ही उठेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम अपने विचारों के बंधनों को खोलना भूल गए, हम उस जंजीर से अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाए। अब बैठ तो गया ध्यान में, लेकिन वो थॉट, वो सारी अंदर वो बातें, जो कुछ चल रहा है जीवन में, उन सब से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। उस ध्यान के समय उन सारे विचारों के बंधनों को, उन सारे जंजीरों को अपने से मुक्त करना पड़ेगा, तब हम किसी यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम सोच रहे हैं कि हम यात्रा में निकले हैं, लेकिन जब क्या होता है, जब एक उम्र के बाद या कुछ भी मृत्यु करीब आती है, जैसे ही उन लोगों को नाव में ठंडी ठंडी हवा का झोंका लगा है, हल्के हल्के चित्त में आए हैं, तब क्या देख रहे हैं, वो वहीं के वहीं हैं। तो वैसे ही जब मृत्यु करीब आने लगती है, अब हम पलट कर देखते हैं हम अपने जीवन में क्या किए और कहाँ पहुंचे, और फिर पता चलता है कि हम कहीं खास आगे पहुंच नहीं पाए, हमने अपनी यात्रा जहां से शुरू करी थी, या क्या पता हमने शुरू नहीं की और करी तो वहीं के वहीं हैं। तो यही है कि विचारों के बंधन को, उस जंजीर को से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हर दिन, तो अपने आप को चेक करना पड़ेगा, कहीं हम कुछ
गलती तो नहीं कर रहे, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हमको जहां पहुंचना था हम वहां पहुंच पाए हैं कि नहीं। तो यही है कि अपने आप को सारे, सिर्फ कम से कम जितनी देर हम ध्यान में बैठे हैं उतनी देर अपने आप को मुक्त कर लें हर सोच विचार हर बंधन से। बस खुश होंगे कि अरे वाह हम ध्यान में बैठ गए, ये पल हमारा, ये ध्यान, ये सांसें हमारी, और किसको बाहर ढूंढ रहे हैं खोजी बनकर, सब कुछ हमारे भीतर है। तो यही कहना था मुझे आज कि भीतरी जो है कि अपने भीतर प्रवेश करना है, ध्यान कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो उससे अवगत हो जाएं। मंदिर मैं भी जाती जाती हूँ, मेरे घर के एकदम 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है जैन मंदिर। और जैसा कि मैं पिछली बार भी बताई थी कि मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो होता क्या था मंदिर में सुबह के 11 बजे तक काफी भीड़ होती थी। अभी तो लॉकडाउन और ये सब के कारण वो भी कम, लेकिन 11 बजे तक बहुत पूजा पाठ आरती और शोरगुल होता था। और 11 साढ़े 11 बजे के बाद सन्नाटा, कोई नहीं आते, कोई एक आधा लोग आते थे। तो मैं उस समय जाती थी मंदिर और वहां बैठ के मैं साधना करती थी, ध्यान करती थी। तो एक जैसा कि है कि मंदिर की बहुत अच्छी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, एक अच्छा वाइब्रेशन होता है, लेकिन वहां पर बैठ के ध्यान। और धीरे धीरे ध्यान करते करते मैं तब एक दिन ऐसा आया कि मुझे ना, मुझे लग रहा था टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे तो कोई घड़ी था नहीं, कोई घड़ी है नहीं, कैसे सुनाई, क्या दे रही है। फिर और ध्यान में उस आवाज पे और उस पे गहरी उतरी, तो वो लगा कि मैं अपने हार्ट बीट को सुन रही हूँ, अपने दिल की धड़कन सुन रही हूँ, अपनी सांसों को बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, अपने अंदर प्रवेश कर पा रही हूँ। तो ये हुआ कि अपने सही तरीके से साधना में बैठे हैं और सारे विचारों से मुक्त होकर के, तो एक एक पल, एक झट, सिर्फ एक सेकंड से भी कम लगेगा कि अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एक बार एक लाइन याद आई, वो शेयर कर रही हूँ। अष्टावक्र गीता में पढ़ रही थी, तो उसमें राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, जब वो उनको ज्ञान लेने के लिए उनसे उनके पास बैठते हैं, तो वो पूछते हैं कि आत्मबोध होने में कितना समय लगेगा। वो उनके उनके पास, वो हमेशा ज्ञानियों से घिरे रहते थे, लेकिन जब अष्टावक्र से मिलते हैं वो, तो उनके उनको गद्दी में बैठा के उनके चरणों के पास बैठते हैं और बोलते हैं मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आत्मज्ञान पाना है, तो कितना समय लगेगा। और उन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब उन्होंने दिया कि घोड़े की नाल पे पैर रख के जब हम बैठते हैं, आप घोड़े की नाल पे एक पैर रख के हम जब उस पर बैठते हैं, उससे भी कम समय लगेगा आत्मबोध होने में। एक क्षण हम ध्यान में बैठे हैं, वो एक क्षण, एक पल कब आ जाएगा जिसमें हम पूरी तरह से अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, सही तरीके से आत्मबोध हो सकेगा। इसी के लिए तो हम ध्यान करते हैं ना, अपने भीतर प्रवेश करने के लिए। तो आज हम ध्यान करेंगे इसी पर ही, इनर जर्नी पे चलते हैं, अंतर मन की यात्रा में अपने भीतर प्रवेश करते हैं। आज के ध्यान में आनापानासति ध्यान ही रखेंगे सांसों पर, और सभी विचारों को दूर करते हुए हम अपने अंदर उतरेंगे। एक और तरीका है, शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि आनापानासति ध्यान सांसों को हम देखते हैं, लेकिन ये सांस को देखना एक प्रक्रिया है और फिर हम अंदर उतरते हैं। तो वैसे ही हम मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, ऑफ कोर्स हम दिन भर बहुत सी चीजें करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सोच विचार आएंगे शुरू में, शुरू के 10 मिनट अपने आप को शांत करने में, बाहरी थॉट से, बाहरी दुनिया से अपने आप को काटने में समय लगता है। तो क्या करते हैं, आप बाहर के थॉट, विचार, दुनिया को देखना छोड़ करके अपने आप को देखना शुरू करती हूँ। अपने एक एक पैर से, अपने एक पैर को देखा, दूसरे पैर को, सबको शांत करते, स्थिर करते गया, हाथ, अपने पूरे शरीर को देखते देखते फिर अपनी सांसों तक आ गए। तो क्या हो रहा है, आउटर जर्नी से अपने आप को बाहरी दुनिया से काट के आप अपने पर लेकर आइए, फिर अपनी सांसों पर और फिर अपने भीतर। तो फ्रेंड शुरू करेंगे हम
आज का ध्यान, जो चश्मा पहने ओम हैं चश्मा उतार लेंगे, हाथों शांति की उंगलियां को ओम आपस में फंसा लेंगे, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। शांति अभी 9:50 रात के 9:50 हो रहे हैं, हम कम से कम 40 मिनट तो ध्यान करेंगे, 40 to 45 मिनट्स। 10:30 तक हमारा ध्यान रहेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो बातें हम पूछना करना। तो अपने आप को अलाउ करें, अगले 40 मिनट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि में रहेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। सांसें ले रहे हैं, सांसें
अपनी छाती पर लेकर आए। कोई तनाव खिंचाव नहीं ढीला छोड़ते। आपके कंधे पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। राइट हैंड पर लेकर आए दाहिने हाथ पे। एल्बो आपके रिस्ट, आपके हाथों की कलाई और उंगलियां तक पूरा राइट हैंड रिलैक्स्ड है। अपना ध्यान अपने बाएं कंधे पर लेकर आए। गर्दन पर, अपने गले पे बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर आए, अपने चिन पर, अपने लिप्स पर, अपने गालों पर। फॉरहेड, आपका पूरा एंटायर हेड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, शांत है, चित। और अब अपना ध्यान अपने नाक पर, नाक के दरवाजे पर, अपनी आती और जाती हुई श्वास पर।
नई सांस भीतर गई और पुरानी ऊर्जा को बाहर करी।
आत्मरूपी लाइट बीम की तरह देखे जो अंदर एक गहन शांति, एक गहन आनंद उस ठहराव में ठहरा हुआ है। निराकार, फॉर्मलेस, कोई रूप रंग नहीं, कोई आकृति नहीं है, नेचुरल
स्टेट के साथ बने रहे। Thank you.
कोई रुकावट नहीं, बस बहते चले जाएं, डूबते चले जाएं। सांस चुकने न पाए।
होते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना में खुद को देखें, जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। आंखें बंद ही रखेंगे, जो भी वाइब्रेशन, जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसे महसूस करें प्रचुर मात्रा में, दिव्यता से भरे हुए, डिवाइन एनर्जी से भरे हुए हम लौटे हैं। हमारी आत्मा खुशी से झूम रही, इस पल के आनंद, इस ध्यान की ऊर्जा से भरी हुई।
एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पीएमसी मुंबई। जी। थैंक यू शकुंतला जी, महेश जी, सभी पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, हैंड रेज करें। बोलिए पूनम जी। हेलो, हाँ पूनम जी बहुत बोलिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा ध्यान था श्वेता जी, वंडरफुल। दिन में भी आपके संग है, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब हाँ कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चल रहा है। साढ़े सच में, 10 बज गए, ऐसा लग रहा है अभी 10 मिनट ही हुआ है बस स्टार्ट किए गए। हाँ 10:40 होने को है अपना, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स के करीब ध्यान हुआ है। बहुत सुंदर से सब, किसी को लग रहा है बाहर आने का मन ही नहीं था, सबके चेहरे पे एकदम स्थिरता दिख रही है, शांत। थैंक यू। विजय जी बात कीजिए। बात कर। हाँ जी नमस्कार जी, हाँ नमस्कार। आपको देख के आधी बीमारी तो आदमी की ऐसी ठीक हो जाए। अरे वाह वंडरफुल। यू लुक सो प्रिटी, और इतने अच्छे से आप स्लोली प्यार से कराते हो, बहुत अच्छा लगा। और ध्यान बहुत अच्छा हुआ। और मेरे को एक बार एकदम से अजीब सा कुछ झटका लगा अंदर, वो पता नहीं आई डोंट नो क्या था वो, बस एक सेकंड के लिए था, कुछ एक ऐसे झटका लगा। स्टार्टिंग में तो 10 मिनट इधर उधर जा रहा था मन, उसके बाद आया एंड बीच में बहुत जोर से झटका लगा एकदम। जो हमारे सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती है ना, शरीर से निकल के ये फिजिकल बॉडी से एनर्जी बॉडी निकल कर एक वही ध्यान की गहराई में जाते हैं, अंदर हाई डायमेंशन में जाते हैं, तो वो झटका लगना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। तो सही है बिल्कुल। और वाकई में शुरू के ध्यान के 10 मिनट 15 मिनट तो हमको शांत होने में लगते हैं, अपने थॉट थोड़ा सोच विचार से बाहर, अपने आप से कनेक्ट, फिर जाके ध्यान लगता है। अगर हम पूरा 1 घंटा जो ध्यान करते हैं उसमें बीच में कुछ पल होता है कि हम डीप मेडिटेशन में उतर गए, और अपने जो भी ध्यान की गहराई में उतरते हैं, या जो भी मैसेजेस या डिवाइन सोर्स से मिलना, या जो अपने ध्यान, तो वो पूरे, इसीलिए 1 घंटा कम से कम ध्यान करें कि उसके बीच का कुछ पल है जो हम डीप में जाते हैं। बीच में बस वो 1 सेकंड को झटका बहुत जोर से लगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते हैं ना, हाँ अच्छा है उस तरह झटका से। आना, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है हमारी। अच्छा, वो मुझे पता नहीं चला लेकिन अच्छा झटका हाँ पता चला। ओके थैंक थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू विजय जी। और इरा आंटी कुछ कहना है? सोहा जी बात करिए। अनम्यूट कर दिया हमको। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ श्वेता जी, एकदम बढ़िया, मस्त। हेलो, हाँ 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 मेरे सोहा को जी नमस्ते। वो आपने नमस्ते, आपने वो परसों बोला ना पूर्णिमा का उपवास के लिए, तो हाँ अभी हाँ समझो कमिंग कमिंग जो पूर्णिमा है वो 8:30 बजे पहला दिन है, और दूसरे दिन वो 4:30 कुछ समाप्त होती है, तो उपवास कैसे, मतलब 12 बजे आपने बोला था तभी 12 बजे से अगले 5:30 तक बोला था, तो वैसा ही सेम करने का क्या, या वो टाइम देख के करने का, या आपने बोला वो वैसा करने का ऐसा। हाँ उस, अगर आप उस वीडियो में देखेंगे मैंने सारे डिटेल्स बताए, पर हाँ उसमें ये था कि व्रत की शुरुआत मॉर्निंग 5:30 से लेकर नेक्स्ट डे 5:30 तक करेंगे, और अगर
फ्रूट्स और जूस में रह सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो जो बिना खाए नहीं रह सकते, एक टाइम खाना है तो दोपहर के 12 बजे के अंदर जो ओके खाना okay. है खा लीजिए और फिर व्रत में रहेंगे, फिर वो सब नेक्स्ट मालूम था, सिर्फ टाइमिंग का मेरे को बारह थोड़ा ये बजे हो तक, गया। दिन के 12 बजे तक, उसके बाद शाम को आप लिक्विड में, उसके बाद सिर्फ लिक्विड में रहिए। अच्छा, मतलब मैंने नेक्स्ट किया डे था। 5:30 तक, नेक्स्ट डे 5:30 तक। हाँ हाँ, आपने पूर्णिमा में बात किए थे और उसके बाद आज अष्टमी है, मैं बोली थी ना पूर्णिमा, फिर 1 वीक के बाद अष्टमी, फिर हाँ, वापस मैंने पूर्णिमा अमावस्या। वो स्टार्ट किया सब, लेकिन आज का भूल गई तो सिर्फ पूरा गजर लगाया मोबाइल पे, ये आगे से कंटिन्यू कर सकूँ ऐसा। हाँ, बहुत अच्छा, सोचे हैं तो जरूर होगा, सोच में ही नहीं आएगा ओके तो होगा भी नहीं। ओके, हाँ बराबर है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुहा जी। ओके ओके, विक्की जी बात करिए, छोटा हेलो मेरा मैडम। वीडियो चालू करिए। हाँ ध्यान बहुत अच्छा था, थैंक यू। बहुत, आप तो बहुत और छोटे लग रहे हैं, अच्छे सही टाइम पे ध्यान में जुड़ गए हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। एक्चुअली मतलब ध्यान करते वक्त ना मैं अपने सेंटर पे ऐसा झूम रहा था, मेरे को मतलब समझ में नहीं आया क्या हो रहा है करके। लास्ट के 10-15 मिनट रहेंगे ना, तब उस टाइम में मैं खुद को रोटेट होते हुए महसूस कर रहा था। ये मतलब क्या होता है, आप एक्सप्लेन करेंगे? जब पहला ये कि हमारी आत्मा खुशी से झूम रही होती है कि जिस चीज के लिए शरीर लेकर आई है जो ये आत्मा, तो चलो वो ध्यान में बैठ गया मेन कि जो तो सोल का जो एक पर्पस है जो ये बॉडी लेकर आता है, तो है कि हम कहते हैं ध्यान में एक एक्सपीरियंस होता है शरीर का झूमना, तो कहते हैं कि हमारी आत्मा झूम रही है। और एक चीज मैंने बहुत मेरे संग भी होता था, होता है अभी भी, तो मैं इसको और सर्च करी कि क्या है इसका मीनिंग, तो मुझे ये मिला कि जब अपने जायंट व्हील में, जायंट व्हील में कभी बैठे होंगे या देखे होंगे, जो हाँ वो झूल रहता है झूला सर्कल की तरह, तो जो हाँ सबसे ऊपर वाला रहता है, तो वो अगर खाली भी है, रुका झूला अगर रुका हुआ भी है, खाली भी है, तो क्या होता है वो ऐसे मूव करता रहता है, हिलता डुलता ओके रहता है। तो हम भी ध्यान में क्या होता है, जब कभी ऐसे बॉडी रोटेट हो रहा, हम रोकना चाह भी रहे हैं, रोकना नहीं भी चाह रहे हैं, और लेकिन वो अपने आप ही झूम रहा है। तो कहते हैं कि जिस तरह जाइंट व्हील सबसे ऊपर वाला जो रहता है वो झूला अपने आप इस तरह हिलता डुलता रहता है, वैसे ही जब हम ध्यान की एकदम उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं, ध्यान की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, तो हमारा शरीर हल्का होकर झूमना शुरू कर देता है। तो जो भी है बहुत अच्छा है कि हम मेडिटेशन के डीप स्टेट में पहुंचे, हायर स्टेट में पहुंचे हैं और हमारी सोल खुशी से झूम रही है। यही है। और पिछली बार एक मतलब आपका सेशन मैंने अटेंड किया था, आनापाना सती ध्यान था, तो उस टाइम में एक मोमेंट ऐसा आया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई चीज ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है पूरे शरीर में, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म ऐसा मतलब एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे मैं कोई बॉटल हूँ और उसमें कोई पानी डाल रहा है ऊपर से, वो फील हो रही है। एक एक मिनट के लिए ऐसा मोमेंट आया था उस ध्यान में। वंडरफुल, बहुत अच्छा, एनर्जी के फ्लो को आप महसूस कर पा रहे हैं और इतना जल्दी इतना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। बिल्कुल हर दिन ध्यान करिए, जितनी उम्र कम से कम उतने मिनट, तो बहुत बहुत अच्छा विकी, जरूर ध्यान करते रहिए, डेली मेडिटेशन करिए, औरों को भी कराइए, दोस्तों को भी लाइए, हो सकता है दोस्त आपके मना करें तो कुछ नहीं, तो तब कुछ दिन डिस्टेंस बना लेंगे अगर कोई मना कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तो करना है। यस मैम। और मैम एक और पूछना था कि हर मेडिटेशन में जब मेडिटेशन करता हूँ हर बार अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हर बार मतलब ऐसा क्यों होता है, वही एक्सपीरियंस बार बार क्यों नहीं होते हैं? नहीं, हर बार नई सांस अंदर जाती है, हम सोचते हैं कि हम सांसे, वही सांस अंदर आ रही है, वही सांस बाहर जा रही है, हर बार नई सांस अंदर जा रही है और यूज्ड अप एनर्जी को बाहर कर रही है। हर दिन हर एक मोमेंट नया हो रहा है, हम हर सेकंड हम नए हो रहे हैं, हमारे अंदर के जितने भी सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हर एक सेकंड में मर रही है, नई बन रही है। तो हर बार हम जब ध्यान करेंगे, हर बार नई सांस से जुड़ेंगे, नए तरह के अनुभव होंगे,
तो बस अपने आप को सरेंडर करके ही रखना है, ऐसा नहीं कि कल जो एक्सपीरियंस हुआ वो आज क्यों नहीं हो रहा है, या फिर किसी भी तरह की कल हुआ था आज कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी इतने तरह के कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ भी, लेकिन एक टाइम आएगा कुछ भी नहीं, नथिंग, ब्लैंक, सब कुछ। तब भी हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी मेरे को क्यों नहीं ऐसा कुछ दिखता। जो भी दिख रहा है, हो रहा है, बस होने दीजिए, सरेंडर। तो ठीक है, थैंक यू विक्की। श्रीनिवास जी बात करिए। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं कल ही जुड़ा था इस पीएमसी मुंबई में। मैं इस म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते समय कि क्या हो रहा है कि सिर्फ 30 मैं 30 मिनट तक ध्यान कर पा रहा था। उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ ये म्यूजिक बजता है ना उसी को सुन रहा था, लेकिन ध्यान नहीं कर पा रहा। तो अपने टाइम को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब एक मिनट में समझी नहीं कि म्यूजिक जो चल रहा था उसके बाद म्यूजिक बंद हो गया या वैसा कुछ, या फिर आपको और करना था? नहीं, ध्यान खत्म हो गया था। 30 मिनट तक मैं अपने सांस पर ध्यान दे रहा था, उसके बाद मुझसे हो नहीं पा रहा। अच्छा। मेडिटेशन में क्या कर रहा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ म्यूजिक को ही सुन रहा था, उसके बाद मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप समझ गए ना? हाँ मैं समझ गई। आप एक तो नए हैं और 30 मिनट आप ध्यान में अच्छी तरीके से ध्यान में बैठ पाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो 5 मिनट 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते और ठीक